फल तो फल, पत्तियां भी संजीवनी बूटी से कम नहीं। शायद पपीते के फल के स्वाद और लाभ के बारे में हर कोई परिचित होगा, लेकिन इसकी पत्तियां भी मानव जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एक नहीं बल्कि तमाम बीमारियों में बेहद लाभकारी और गुणकारी है। इसकी पत्तियों के जूस या काढ़े से कब्जियत, चर्म रोग, बालों में डैंड्रफ या अन्य कोई समस्या, शुगर, मोटापा और हर्ट, खून साफ करना इत्यादि कई बीमारियों को दूर करती है। यह महिलाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह हूँ। मैं राजकीय आरोग्य चिकित्सालय नगर बलिया में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। पपीते की जो पत्तियाँ होती हैं वो पपीते के समान ही लाभकारी होती हैं। जो इसमें पेपेन और काइमोपेपेन नाम के एंजाइम्स पाए जाते हैं, उनके बहुत अच्छी फंक्शनिंग होती है, तो डाइजेशन में बहुत अच्छा लाभ करते हैं। जैसे किसी को गैस की प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके जूस को फेस पे भी लगाया जा सकता है और बालों में अगर डैंड्रफ हो तो उसमें भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका जो जूस है वो किसी को डायबिटीज़ है, मोटापा है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। जो आजकल डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। अगर जो महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, किसी को फाइब्रॉयड है या कोई प्रकार का सिस्ट है, उसमें भी पपीते के पत्ती के जूस का प्रयोग कर सकते हैं। ये स्किन प्योरीफायर है, रक्त को साफ करता है, बहुत अच्छा है, इसका उपयोग कर सकते हैं उसमें। साइड इफेक्ट तो यही है कि कोई भी चीज़ डॉक्टर के सलाह से ही लें। दूसरी, अगर किसी चीज़ को पपीते से एलर्जी है तो वो पपीते के पत्ते का भी सेवन ना करें। इसका प्रयोग कैसे करें ये बता देती हूँ। अगर आप सिर्फ स्वरस निकालना चाहते हैं, 10 पत्ते लेकर उसको कूट के, उसको पतले कपड़े में छान के उसका जूस का सेवन करें 10 ml की मात्रा में। और अगर काढ़ा बना के लेना चाहते हैं तो अब भी 10-15 पत्तियां ले लें उसको, और उसको 2 लीटर पानी में उबाल के रख लें। जब वो पानी आधा हो जाए तो उसको छान के दिन भर सेवन करें। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।